खालिस्तानी मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया जितेंद्र तोमर की डिग्री पे अड़ गए कि नहीं वो ठीक है जबकि सबको पता था कि जितेंद्र तोमर की डिग्री गलत है हमारे जैसे कई साथियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चंदा बंद सत्य के चलाया कैनेडा यूके से आया मोर देन वन हंड्रेड करोड़ लगभग दो करोड़ के के लगभग चंदा जमा हुआ सर्जिकल अटैक ऑन करप्शन एंड सेकेंड सामाजिक न्याय पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि वो अपने को धर्म के नाम पे जाति के नाम पे क्षेत्रीय मुद्दों पर उलझा के और जो विकास की राजनीति है करप्शन से से लड़ने के से अलग के, दूसरे होंगे के मुस्लिम क्लास जो आम आदमी पार्टी का जो पतन हुआ है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे या भ्रष्टाचार मुक्त भारत में भी मांग ही नहीं मे भी जीत है और सारे काम उन्होंने उससे उल्टे किए शिवा घोटाले में जेल में बैठे हैं ये आरोप भी लगते हैं कि अन्ना हजारे का वो मूवमेंट आरएसएस ने खड़ा किया था बैक सपोर्ट आरएसएस से मिल रहा था फ्री बसेस, फ्री 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 बिजली पानी स्कूल चिकित्सा ये कितना बड़ा चैलेंजेस होने वाले हैं आपके लिए में सिविक कम्युनिटी सब कल्स हुई पड़ी है पानी की समस्या ले लीजिए बिजली की समस्या ले लीजिए सड़कों की समस्या ले लीजिए प्रदूषण माँ यमुना की जो हालत है इन सब के पीछे अरविंद केजरीवाल की बेईमानी निकम्मापन एवं असक्षमता जिम्मेदार अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी की हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की जिस समय नींव रखी जा रही थी उस समय इनकी एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी एक तरह से कहते हैं कि जो शरीर होता है उसकी रीढ़ जो होती है वो एक अहम भूमिका निभाती है उठने में तो वही रीढ़ का काम किया था डॉक्टर मुनीश रायजादा ने तो हमारे साथ डॉक्टर रायजादा मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और किस तरह अब वो दावा कर रहे हैं दो के जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में उसमें आम आदमी पार्टी के एक तरह से कह रहे हैं उड़ जाएंगे नमस्कार मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसे कि आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी और कहा था हम कट्टर ईमानदार एक आई अफसर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े जमीन से जुड़े बताए जा रहे थे अपने आप को लेकिन आज की स्थिति जो है वो ये है उन पर तमाम घोटालों के आरोप हैं उनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं अभी वो भी जेल में हैं एक से जमानत होती है तो जेल के अंदर ही सीबीआई उनको अरेस्ट कर लेती है अपना थोड़ा सा परिचय दे दें और उसके बाद चर्चा करेंगे मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार हवाजादा है मैं पेशे से न्यू बॉर्न बेबीज का डॉक्टर हूँ न्यू नेटोलॉजिस्ट शिकागो यू में मैं पिछले बाईस तेईस सालों से प्रैक्टिस में हूँ जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे भी लगा कि देश बदलना एक बदलने का एक अच्छा मौका है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का एक अवसर है अपने पास तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो लगा कि व्यवस्था परिवर्तन को जो एक आइडियलिज्म वाला नारा इन्होंने दिया स्लोगन दिया तो लगा कि गली सड़ी राजनीति से ऊपर उठकर देश को बदलने की एक कोशिश में हमें भी समर्थन देना चाहिए मैं भारत आया भारत में मैंने पार्टी ज्वाइन की अनेकों पदों पर काम किया आ, परमिनेंटली मैं एन सेल का को कन्वीनर भी था जिस भी पार्टी को खड़ा होना होता है क्योंकि तो जो फंड्स होते हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए तो एक आप थे जिस, जिसने रीढ़ का काम किया आम आदमी पार्टी के उस समय में अगर कहा जाए जी बिकॉज मैं क्योंकि एनआरआई सेल का को कन्नर था प्लस एज ए बींग एनआर आई तो मोबिलाइज करने में मुझे हमेशा यू you नो know, अच्छा समर्थन मिला पार्टी के लिए कि पार्टी के लिए फंड्स मोबिलाइज किए जाए एवं आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के लोगों ने सपोर्ट किया था उस वक्त कि चलो एक अच्छी राजनीति करेंगे लेकिन पार्टी बनने के कुछ समय बाद जैसे सत्ता में हम लोग आए सिक्सटी सेवन सीटों के साथ दो हज़ार पंद्रह में तो मैं जल्दी अलग हो गया क्योंकि मुझे दिखने लग गया कि अंदर से इनके कथनी करने में फ़र्क है जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है एवं कुछ एग्जाम्पल्स भी किस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया जितेंद्र तोमर की डिग्री पे अड़ गए कि नहीं वो ठीक है जबकि सबको पता था कि जितेंद्र तोमर की डिग्री गलत उस प्रकार से अन्याय लेकिन जब इन्होंने पार्टी का दिया हुआ चंदा जनता द्वारा दिया हुआ चंदे की लिस्ट को इन्होंने हटाया तो मैंने इस स्पष्ट विरोध किया मैंने कहा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आम आदमी पार्टी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में से ऐसे सिद्धांतों में है जिसकी वजह से व्यवस्था परिवर्तन का नारा हमने दिया तो तब मैंने पुरजोर विरोध किया और उसके बाद फिर हमने यानी कि हमारे जैसे कई साथियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चंदा बंद सत्य चलाया जिसमें कि अन्ना जी का अनुमोदन था एवं फिर 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली मेड सबको यूट्यूब पे देखनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन एवं आम आदमी पार्टी की अनटोल्ड स्टोरीज इसमें आपको मिलेगी okay. अंदर की सच्चाई आपको डॉक्टर साहब जैसे कि आप एन का कम्युनिटी का सारा देखते थे अगर आप डिस्क्लोज कर पाए कितना लमसम आपने चंदा उस समय आम आदमी पार्टी को दिलवाया होगा देखिए उस वक्त दुनिया भर का चंदा एनआई वाइज खासकर यूएसए से यूएसए कैनेडा यूके से आया एंड ये मोर मोदन 100 करोड़ लगभग 200 करोड़ के के लगभग चंदा जमा हुआ 200 करोड़ के आसपास का चंदा आपने दिलाया और ये था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे इन बेसिस पे लोगों ने सपोर्ट किया एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ये आस्था थी मतलब आप समझिए कि हम शिकागो में जैसे मीटिंग करते थे लोग आके डोनेशन देते थे लोग जानबूझ के ऐसी कम्युनिटी इवेंट्स करते थे ताकि लोग आके वहां पे चंदा दे सके यू नो दैट काइंड ऑफ जील थी सभी का मोटिवेशन ये था कि चलो इस बहाने देश सुधरेगा देश सुधरेगा यू नो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सकती है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को समर्थन लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो सब हुआ वो देश के सामने तो अभी साहब आपने जो पार्टी लॉन्च करी है भारतीय लिबरल पार्टी ये बड़ा ही टफ चीज होगी आपको विश्वास दिलाना होगा दिल्ली की जनता को क्योंकि एक कोई भी इस पेशे का व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी से बंदा आता है आ, उसके बाद जनता के अंदर काम किया जाता है फिर ट्रस्ट गेन करा जाता है उसके बाद अभी पॉलिटिकल करियर करियर शुरू होता है उसके बाद आज जो स्थिति है वो जनता देख रही है आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं तमाम भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा जाता है बाईस तेईस साल से आप विदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं अब आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जब ये आप कहते हैं कि भाई नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करेंगे देखिए भारतीय लिबरल पार्टी को अब स्टार्ट करने का यानी कि अन्ना आंदोलन हुआ था दो हजार में अब लगभग तेरह चौदह साल बाद जब हम फिर से मैदान में आए हैं तो ये शो करता है कि हम लोग पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए पॉलिटिक्स करने नहीं आए हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स के माध्यम से वास्तव में कुछ बदलाव लाया जाए अगर हमें पॉलिटिक्स पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करनी होती तो हम दो हजार में अपनी पार्टी लॉन्च कर देते भारतीय लिबरल पार्टी दो में बनाई थी एक एन ने फिर इसका दायित्व तो मुझे अब मिला है तीन महीने पहले हम इसको आगे लेके जाएंगे भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दो चीज़ों पे हमारा आ, उत, फोकस है एंड एक्सट्रीम फोकस है सर्जिकल अटैक ऑन करप्शन एंड सेकंड सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय के लिए हमने कमिंग टू करप्शन करप्शन के प्रति प्रति जो म, लड़ने के प्रति हमारी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रोंग है कि भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली इलेक्शन में दो में असेंबली इलेक्शंस में सत्ता में आते ही पहली अनाउंसमेंट होगी एसीसी एंटी करप्शन कमीशन आपका आपका तो पोर्टल का नाम ही एंटी करप्शन इंडिया है हम लोग इतने इस बात को लेके मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि करप्शन अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन को मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाया जाना चाहिए ताकि उसके खिलाफ लड़ सके लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि वो अपने को धर्म के नाम पे जाति के नाम पे क्षेत्रीय मुद्दों पे उलझा के और जो विकास की राजनीति है या करप्शन से लड़ने की राजनीति से अलग कर देती है तो हम लोग इस पर वेरी कॉमेटेड टू दिस एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे सेकंड है सामाजिक न्याय hmm. सामाजिक न्याय के लिए हमारी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग है सामाजिक न्याय के माध्यम से दो दिन पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में उसमें हमने अनाउंस किया कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से इस बार यानी कि दो में दिल्ली की जनता चुनेगी पहला दलित मुख्यमंत्री hmm. पहला दलित सी क्योंकि सामाजिक न्याय की हमारी कमिटमेंट है एंड दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे वन विल बी फ्रॉम ओबीसी क्लास से होंगे दूसरे होंगे मुस्लिम क्लास क्योंकि पसमानदा मुस्लिम को भी आप देखें तो वो भी आज का नया दलित है पसमानदा मुस्लिमों के साथ भी वही भेदभाव वही अन्याय वही पिछड़ापन उनके साथ है जो कि अपने दलित भाइयों के साथ होता है तो मुझे लगता है इन दोनों चीजों को इकट्ठे ले जाने की आवश्यकता है एंड कुल मिला हम लोग धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ के देश निर्माण की राजनीति करेंगे भ्रष्टाचार से लड़ेंगे एवं विकास और नूमिक राजनीति कब के दिखाएंगे डॉक्टर साहब एक सवाल ये आ, खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह जो पुराने लोग थे अरविंद केजरीवाल की जो फर्स्ट आ, टीम थी उसमें कोई भी अब पुराना व्यक्त है नहीं केवल एक मनीष सिसोदिया और उसके पुराने जितने भी आप देखेंगे वो सब छोड़ के जा चुके हैं या फिर उन्हें निकाल दिया गया या परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई पार्टी के अंदर कि उन्होंने छोड़ दिया तो उस सबके पीछे का आपको लगता है कि आप पुराने लोगों से मिलेंगे या जो जा चुके हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि अब दोबारा स्टार्ट करना है जो लोग छोड़ के जा चुके हैं आपको अंदर की बातें पता होंगी कि क्या चीजें तो क्या आपने उनको भी रिकॉल किया जी आम आदमी पार्टी के पुराने मतलब जो इनिशियल टाइम्स के वॉलंटियर्स और वो जो लोग जो सत्ता परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आए थे उन सभी से संपर्क साध रहे हैं काफी लोगों से बातचीत होती है काफी इंटरेस्ट भी है उनको दूसरा ये कि इसमें यह ध्यान दीजिए कि जो आम आदमी पार्टी का जो पतन हुआ है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल क्योंकि आप आइडियल आई, नारा या स्लोगन तो देते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे या भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जीत है और सारे काम उन्होंने उससे उल्टे किए शराब घोटाले में आज जेल में बैठे हैं मनीष सिसोदिया को आज तक जेल नहीं मिली मल्टीपल टाइम्स मनीष सिसोदिया ने कोशिश की बेल पाने की सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पर नहीं और सी का केस भी चल रहा है अरविंद केजरीवाल पे तो कुल मिला ये ध्यान दीजिए कि यदि आपके चिंतन और कथनी और करनी में फर्क है तो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं हो सकते इसलिए हम लोग बड़े होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं कि पॉलिटिक्स के माध्यम से हम अच्छा काम करना चाहते हैं गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज अ गुड वे टू सर्व द सोसाइटी तो डॉक्टर साहब इसमें ये भी चीज़ें उठती हैं कि पहले अब जैसे आपने कहा कि जो एस कम्युनिटी है उसका हम मुख्यमंत्री मनाएंगे जो डिप्टी सी रहेगा वो ओबीसी और मुस्लिम समाज से रहेगा इस तरह के जो विपक्ष होगा वो निश्चित तौर पे पे आप पे आप आरोप लगाए कि दलित की राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं ये आरोप भी लगेंगे अगर आप सीधा एस सी एस ओबीसी या माइनॉरिटी की बात करते हैं तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं आप देखिए जो अपने संविधान में कहा गया है कि समानता होनी चाहिए जो पिछड़ा दलित वर्ग है उनको रिजर्वेशन दी गई है उसके पे मूलभूत भावना ये है कि पिछड़े व्यक्ति जो जो मार्जिन पे खड़ा है जो हाशिए पे खड़ा है उस व्यक्ति के साथ आपको आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बनती हैं कि आप उसके बेनिफिट्स के लिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए काम करें यदि मैं ग्लोबल लेवल पे भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैंने अपारथीट जो साउथ अफ्रीका की लड़ाई देखी है यू में स्वयं हम देखते आए हैं कि वेसिज्म आप स्ट्रॉन्ग है कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है लेकिन तब भी आपको देख देखना मतलब आपने देखा कि मार्टिन लूथर किंग को जस्ट यू नो नाइनटीन में उनको लड़ाई लड़नी पड़ी सिविल मूवमेंट्स चलाने पड़े सिविल सोसाइटी सिविल मूवमेंट्स चलाया 1968 में उनकी हत्या हो गई 39 नाइन ईयर्स की एज में तो रेसिज्म जो बायसिस हैं जो एक एक मानव का एक हिस्सा एक वर्ग दूसरे वर्ग पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है उसका इकोनॉमिक राइट्स का हनन करना चाहता है ये लंबी लड़ाई तो इस लंबी लड़ाई के पीछे आप इसको ये कहना कि इसके पीछे हम दलित राजनीति खेल रहे हो सरासर गलत है क्योंकि दलितों के साथ पिछड़े वर्ग के साथ वंचित के साथ खड़ा होना सभी का धार्मिक कर्तव्य है डॉक्टर साहब दो सवाल आपसे और लूगा एक अन्ना हजारे जब जिस टाइम पे बैठे थे उस वो एक पीक पे मोमेंट था उसके बाद अन्ना हजारे एकदम शांत हो गए तो विपक्ष ने और तमाम लोगों ने और ये आरोप भी लगते हैं कि अन्ना हजारे का वो मोमेंट आरएसएस ने खड़ा किया था बैक सपोर्ट आरएसएस से मिल रहा था तो अन्ना हजारे का उस आंदोलन के बाद बिल्कुल चुप हो जाना क्योंकि आपके पास सवाल आएंगे या जनता इस पे रिएक्शन देगी चुप हो जाना अन्ना हजारे का और उसके बाद के पीछे से आर का सपोर्ट था इसको आप आ, कैसे जस्टिफाई करेंगे देखिए मैं अन्ना हजारे को क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी महाराष्ट्र से की है तो अन्ना हजारे को तो मैं मतलब उनका नाम उनके जो काम काज को मैंने पिछले कई सालों से जानता हूँ यद्यपि कई लोगों को लगा कि दो हजार दस में उनका पहला पिछय होगा अन्ना हजारे जी से एज ए एज ए यू नो नेशन जो उनकी रिकोगनीशन मिली अन्ना हजारे का जो करप्शन से लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा लंबा है अब उन्होंने किस समय पे किस पॉलिटिकल पार्टी कईयों को लगा कि इस पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ है इसके पक्ष में खड़े हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा लेकिन ये बात तय है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में एक बड़ी क्लियर कट एक, एक देश में एक इमोशंस पैदा हुई कि हाँ सबको मिल के भ्रष्टाचार से लड़ना है उस वक्त इनफैक्ट आर के लोग भी काफ़ी स्पोर्ट में आए हुए थे तो उस वक्त देशव्यापी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट था देशव्यापी एक आंदोलन था जिसमें कि लोग पार्टियों के आधार पर नहीं आए थे कि मैं इसके समर्थन में हूं इसके विपक्ष में तो मैं इसको ऐसे देखना चाहूंगा डॉक्टर साहब क्योंकि अब जो होते हैं उस उसपे भी चीजें आती हैं कि आप अगर क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो आज के समय में ऐसे ही नहीं करी जाती है एक फंड्स आते हैं फंडिंग की चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि सपोर्ट कहाँ से आ रहा है और एक बहुत बड़ा जो दिल्ली वासी इस टाइम पे कहते हैं फ्री बसेस फ्री बिजली फ्री पानी फ्री स्कूल फ्री चिकित्सा ये कितना बड़ा चैलेंजेस होने वाले हैं आपके लिए देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दस सालों में दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया दिल्ली इज लिटरली गार्बेज हाउस नाउ गार्बेज का कूड़ा घर बना दिया दिल्ली में सिविक एम्यूनिटीज सब कलेप्स हुई पड़ी है पानी की समस्या ले लीजिए बिजली की समस्या ले लीजिए सड़कों की समस्या ले लीजिए प्रदूषण माँ यमुना की जो हालत है इन सब के पीछे अरविंद केजरीवाल की बेईमानी निकम्मापन एवं असक्षमता जिम्मेदार उनको काम करना ही नहीं है वो भ्रष्ट है ही इज करप्ट अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग कैसे होती है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग और पोलिटिकल पार्टीज ऑफ एंड पब्लिक एंटिटीज़ ये पब्लिक डोनेशन पे ही डिपेंड करती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का ख़त्म किया जाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी अज्ञात सोर्सों से पैसा आता था पॉलिटिकल पार्टीज़ को की पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन करने के लिए संसद लेवल पर पार्लियामेंट लेवल पर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन किया जाए ताकि ऑनेस्ट अपराइट लोग पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स के माध्यम से देश निर्माण का काम कर सके ये जोखिम भरा काम है चैलेंजिंग है क्योंकि सिचुएशन इज वेरी ऑर्ड यू नो इट्स अगेंस्ट ऑल द ऑर्ड्स लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने को इनफैक्ट जब जिस किस्म के डेमोक्रेसी के रिफॉर्म्स आज चाहिए देश में इलेक्ट्रोवल रिफॉर्म्स हो गए पॉलिटिकल uh, फंडिंग की बात कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स इसके लिए अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट आज केपेबल है ही नहीं क्योंकि पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पर ऑर्गेनाइज गैंग्स ये बाशिंदे बैठे हैं और उनको इन रिफॉर्म्स ही, क्योंकि ये रिफॉर्म्स देश के हित में है इसलिए आप देखते हैं सब सभी जगह कट कमीशंस का जाल बिछा हुआ है करप्शन वैम्पेंट है विकास होता नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पंद्रह पंद्रह साल पुराने पुल्स बह जाते हैं कोलेप्स हो गए जबकि अंग्रेजों के टाइम के बने हुए पुल अभी भी चालू हैं तो कहने के भाव ये है कि इस प्रकार से एक डिसकोनेक्ट है डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स चाहिए और उसके लिए कम से मतलब किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता है आंदोलन खड़ा होगा जन आंदोलन खड़ा होगा तब जाके रिफॉर्म्स आएंगे तो कहने का मतलब है कि लड़ाई बड़ी लंबी है और सभी लोगों को मिल इसमें हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी पॉलिटिक्स के प्रति उदासीन रवैये से अपना मुख मोड़ना पड़ेगा कहना पड़ेगा कि यस मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना मेरा जन धर्म है जब तक इस ये भावना नहीं आएगी तो पॉलिटिशियंस हमें दे विल कीप मिल्किंग अस तो तमाम जो जानकारी है किस तरह 200 करोड़ के आसपास फंड कराया आम आदमी पार्टी को और अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं 2015 के आसपास ही पता चल गया था डॉक्टर रायजादा को कि अब गड़बड़ होनी शुरू हो गई है तो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया था वापस पार्टी से क्या कहेंगे आप दिल्ली की जनता को क्योंकि आप पच्चीस के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव में तमाम सीटों पर आप कह रहे हैं उतरेंगे दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता से मेरी ये अपील है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव भरपूर समर्थन दे इस नई पॉलिटिकल पार्टी को भारतीय लिबरल पार्टी मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा शीर्ष पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे जनता के बीच में से चुने हुए कैंडिडेट्स यानी कि सोशल इलेक्शन के माध्यम से टिकटें दी जाएंगी यानी कि जनता जिसको चुन के देगी उसको टिकटें देंगे एक क्लीन पॉलिटिक्स के प्रति जो ये अपनी लड़ाई शुरू हुई है उसमें सहयोग जनता से ही चाहिए एवं सोशल सोशल न्याय सामाजिक न्याय को लेकर जो कमिटमेंट है एंड भ्रष्टाचार के प्रति जो लड़ाई की हमारी जो लेजर अटैक करने के जो हमारी प्रयास है उसमें जनता के समर्थन के बिना हम कामयाब नहीं होंगे तो इसलिए सबसे ये अपील है कि भारतीय लोग दिल्ली के लोग मिलकर इस मिशन को कामयाबी की तरफ ले जाए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तो तमाम आपने चर्चा सुनी डॉक्टर मुनीश रॉयजादा जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे तमाम चीजें डिस्कस करी हैं इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा अपना विचार साझा कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार